सांप। धर्म ग्रंथ में इसे देवताओं के समान माना जाता है। इनका जीवन काल 120 साल तक होता है। एक नॉलेज के तौर पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सांप का जहर हमारे शरीर में कैसे चढ़ता है। इसीलिए वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का अननोन जीके मैं आपके लिए लेकर आऊँगा हर रोज। पहली बात, सांप का जहर उसके दांतों में नहीं होता। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि सबको लगता है कि सांप का जहर उसके दांतों में होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सांप का जहर उसके दाहिने आँख के पास एक ग्रंथि में भरा रहता है। जब उसे क्रोध आता है तब जहर सबसे पहले मस्तिष्क में आता है और फिर धमनी के रास्ते से दांतों तक पहुंचता है। सांप के चार जहरीले दांत होते हैं जिन्हें मकरी, कराली, कालरात्रि और यमदूती कहा जाता है। यमदूती सबसे छोटी दांत होती है। सांप इस दांत से जिसे काट लेता है उसका बचना नामुमकिन होता है। सांप जब हमें काटता है तो उसके दांतों से हमारे त्वचा को फाड़कर खून में जहर छोड़ता है। जहर के फैलने की रफ्तार के बारे में पुराण में कहा गया है कि त्वचा में प्रवेश करने पर जहर की गति दुगनी हो जाती है। रक्त को छूते ही जहर की गति 4 गुना हो जाती है। पित्त में पहुंचते ही इसकी गति 8 गुना हो जाती है। कफ में इसकी गति 16 गुना हो जाती है। वात में 30 गुना और मज्जा में इसकी गति 60 गुना हो जाती है। यहाँ तक जहर पहुंचने के बाद जीवित बच पाना असंभव हो जाता है। लेकिन अगर आप सांप का जहर अपने मुँह से पी लेते हैं तब आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब आप जहर को अपने मुँह के द्वारा पीते हैं तो जहर हमारे पेट में जाता है और पेट में पाचक एंजाइम अम्ल उसे पचा लेते हैं, फिर वो आहार नाल से होता हुआ बाहर निकलता है। लेकिन अगर जहर हमारे खून में मिल जाता है तो ये बात हमारे लिए जानलेवा बन सकती है, क्योंकि हमारे खून में जहर को पचाने वाला कोई भी अम्ल मौजूद नहीं होता। इसीलिए खून में जहर की रफ्तार 4 गुना हो जाती है। इसके दौरान सही समय पर उपचार नहीं हुआ तो आदमी मर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।